हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर। कुछ लोगों को हर टाइम धड़कन फील होती रहती है, उनकी हार्ट बीट तेज चलती रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? यही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका एक कॉमन कारण रहता है साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया का मतलब है कि जब आप रेस्ट में हैं और आपकी धड़कन 100 से ज़्यादा चल रही है पर मिनट, एज के हिसाब से हार्ट रेट कितना रहना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, उसकी हार्ट रेट है वो 100 से लेके 160 के बीच में रहनी चाहिए। फिर जैसे बच्चा 5 से 6 महीने तक हो जाता है, उसकी धड़कन 90 से लेके 150 तक रहनी चाहिए। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो उसकी धड़कन है 80 से लेके 140 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। 15 साल या 15 साल के भी बाद के जो भी लोग रहते हैं, उनकी धड़कन 60 से लेके 100 नॉर्मल मानी जाती है। साइनस टैकीकार्डिया किसी को भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, जब आपको डर लगता है, या आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्ट्रेस वाला टाइम ओवर होता है, आपकी धड़कन वापस नॉर्मल आ जाती है। साइनस टैकीकार्डिया के कुछ कॉमन कारण हैं जिनके कारण धड़कन ज़्यादा हो सकती है। आपको कहीं पे पेन हो रहा है, कोई फीवर है, कॉमन कोल्ड है, इन्फेक्शन है, जैसे कोविड के टाइम पे या कोविड के बाद में काफ़ी लोगों में साइनस टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। थायराइड की दिक्कत है, यानी आपका थायराइड ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी का टाइम है, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन रहता है आपको, बहुत ज़्यादा कैफीन है, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, मेडिसिंस हैं, एट्रोपिन है या बीटा एगोनिस्ट है, जैसे थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, अल्बुटामोल है, जो सीओपीडी वाले पेशेंट हैं जिनको नेबुलाइजेशन दिया जाता है, ये सारी मेडिसिन आपकी धड़कन को बढ़ा सकती हैं। इन कॉमन कंडीशन के अलावा कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जिनमें साइनस टैकीकार्डिया होता है। जैसे आपको हार्ट अटैक पड़ा है, यानी एंटेवाल एमआई है, आपका हार्ट फेल्यूर चल रहा है, कार्डियोमायोपैथी है, आपके हार्ट की मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, यानी जो लंग्स में ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें रहती हैं उनमें कोई थक्का जम गया है, या फिर आपके हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, तो ये कुछ कंडीशन रहती हैं जिनमें साइनस टैकीकार्डिया होता है। साइनस टैकीकार्डिया के कारण आपको बार बार पाल्पिटेशन रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट बहुत तेज तेज दौड़ रहा है, चेस्ट पेन हो सकता है, छाती में भारीपन लग सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको थकान या थोड़ा चक्कर आना जैसा फील हो सकता है। ये साइनस टैकीकार्डिया ही है या ये क्यों हुआ है, उसको डायग्नोस करने के लिए आपको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक ईसीजी करना है, तो ईसीजी में आपको साइनस टैकीकार्डिया देखने के लिए आपको देखना कि सबसे पहले रेट कितना चल रहा है। जैसे रेट आपका 100 से ज़्यादा चल रहा है, ये एक ईसीजी है, इसमें देखो आपका हार्ट रेट 108 चल रहा है पर मिनट, तो 100 से ज़्यादा चल रहा है। दूसरा है, देखिए रिदम आपका रेगुलर है, यानी हर पी वेव के बाद में QRS आ रहा है। सेकेंड लीड है, उसमें पी वेव अपराइट है, यानी नॉर्मल मोर्फोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन हार्ट रेट 100 से ज़्यादा चल रहा है तो साइनस टैकीकार्डिया हो गया। इस ईसीजी में आप ये भी दे सकते हैं, जो V1, V2, V3 लीड्स हैं उनमें ST सेगमेंट इलिवेशन है, यानी ये इंडिकेट करता है हार्ट अटैक हो, एंटीवाल MI है, तो एंटीवाल MI में भी साइनस टैकीकार्डिया होता है। कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे CBC। CBC में आप में TLC दे सकते हैं, वो कितना आ रहा है, इन्फेक्शन का पता चल जाता है उसे। उसमें हीमोग्लोबिन देख सकते हैं कितना है, एनीमिया तो नहीं है पेशेंट को। एक TSH टेस्ट करवा सकते हैं जिसे पता चल जाता है आपका हाइपर थायरॉइडिज्म है कि नहीं है। इको करके देखते हैं, इको में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी रहती हैं, जैसे उसको कोई हार्ट अटैक का साइन तो नहीं है, कोई हार्ट फेल्यूर का साइन तो नहीं है, डायलेटेड तो नहीं है हार्ट, यानी कोई कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल हो रही है, या फिर हार्ट के चारों तरफ कोई पानी या इफ्यूजन तो नहीं है, या फिर हार्ट में कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन तो नहीं है, ये सब आप इको से पता कर सकते हैं। इन टेस्ट के अलावा कई बार जैसे चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, या होल्डर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। एक बार साइनस टैकीकार्डिया डायग्नोस्ड हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके जो कोज है, उसका जो कारण है, उसको ठीक करना है। और जैसे ही कोज ठीक होएगा, साइनस टैकीकार्डिया अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ मेडिसिंस रहती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल ले सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्रोकर है, जैसे डिल्टियाजाम मेडिसिंस रहती हैं, वेरापामिल रहती हैं, ये दे सकते हैं। जो भी लोग हैं कि बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं या कोकेन लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, वो उनको बंद करना है, स्मोकिंग बंद करना है, और फिजिकली एक्टिविटी आपको बढ़ाना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी वेगल टोन को बढ़ाएगी और वो टेकीकार्डिया को कम करने में हेल्प करती है। यदि सब कारण पता करने के बाद में भी कोई भी ऐसा कारण नहीं मिल रहा जिससे धड़कन तेज हो या आपका टेकीकार्डिया हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन अप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया, यानी आपकी हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं और कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन अप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया। उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।